दोस्तों, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और कोई व्यवसाय करने की सोच रहे हैं या कोई बिजनेस करने की सोच रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे बिजनेस आइडिया बताने वाले हैं जिसे गांव में शुरू करके अच्छी खासी कमाई किया जा सकता है। दोस्तों, गांव में ऐसे कई सारे बिजनेस आइडिया हैं जिसे शुरू करके अच्छी खासी कमाई किया जा सकता है। इन व्यापारों का फायदा उन बेरोजगार युवाओं को भी हो सकता है जो पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और किसी ऐसे व्यापार की तलाश में है जो आसानी से ग्रामीण क्षेत्र में संचालित किया जा सके। तो आज हम आपको ऐसे ही शानदार बिजनेस आइडिया बताएंगे जिसे कि आप अपने गांव में शुरू कर पाएंगे। इसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, बिना वीडियो को स्किप किए देखना है। अगर आपको ये बिजनेस आइडिया, ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर नंबर एक पर जो बिजनेस आइडिया है वो है गांव में कोल्ड स्टोरेज का बिजनेस। दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में कोल्ड स्टोरेज की कमी के कारण फल सब्जियाँ बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं, जिससे किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। इस समस्या का समाधान हम कोल्ड स्टोरेज केंद्र खोलकर कर सकते हैं, जिसमें हम न केवल किसानों को इस सुविधा से लाभ प्रदान करेंगे बल्कि यह आपको भी अच्छी खासी कमाई करने का आपका जरिया बन सकता है। हम किसानों के फल सब्जियों को कोल्ड स्टोरेज में रखकर दैनिक रूप से भाड़ा या किराया लेकर उचित मार्जिन प्राप्त करते हैं, जिससे कि उनके उत्पादन में बढ़िया गुणवत्ता और अधिक दिनों तक की ताजगी बनी रहती है, जिससे कि उन्हें बाजार में अच्छा दाम मिलता है। हमें बदले में रोजगार द्वारा भाड़ा मिलेगा। यह एक ऐसा बिजनेस आइडिया है जहां पर किसान को और हमें दोनों को लाभ होता है। विशेष बात यह है कि कोल्ड स्टोरेज केंद्र स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा किसानों को सब्सिडी भी प्रोवाइड किया जाता है। इसके तहत सरकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को एकीकृत विकास मिशन यानी कि MIDH के तहत कोल्ड स्टोरेज की स्थापना के लिए प्रोवाइड किया जाता है। यह सब्सिडी मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अलग अलग होती है। साधारण मैदानी क्षेत्रों में परियोजना लागत लगभग 35% दर सब्सिडी प्रोवाइड किया जाता है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में 50% सब्सिडी आपको दी जाती है। नंबर दो पर जो बिजनेस आइडिया है वो गांव में कृषि क्लिनिक खोलकर। दोस्तों, कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नाबार्ड और राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान के सहयोग से एक अद्वितीय योजना शुरू की गई है, जिसके तहत कृषि स्नातकों को विशेष रूप से समर्थन प्रदान किया जाएगा। यह योजना कृषि क्लिनिक खोलकर युवाओं को अच्छी आय के अवसर प्रदान करने का उद्देश्य रखती है। इसके साथ ही सरकार द्वारा सहायता भी दी जाती है। कृषि क्लिनिकों और कृषि व्यवसाय केंद्र की योजना अप्रैल 2002 से प्रारंभ की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि स्नातकों को रोजगार देकर आर्थिक रूप से स्थिर करना। सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों को विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों के सलाह और सेवाओं के माध्यम से प्रौद्योगिकी, फसल प्रबंधन व कीटनाशकों और रोगों से सुरक्षा करना, बाजार की रुझान को समझाना, बाजार के मूल्य को और पशु स्वास्थ्य के बारे में भी जागरूक करना इस मिशन का कार्य है। तो इस बिजनेस को भी शुरू करके गाँव में अच्छी खासी कमाई किया जा सकता है। इससे फसलों और पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि होगी, किसानों की आय बढ़ेगी और आपका भी एक अच्छा इनकम सोर्स भी बन जाएगा, जिससे आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक यूनिट को दो प्रकार की सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। प्रोजेक्ट की पूंजी लागत लगभग 25% को सब्सिडी के रूप में बैंक ऋण के माध्यम से प्रदान किया जाता है। साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला किसानों को 33% सब्सिडी दी जाती है, जो नाबार्ड योजना के तहत प्रदान की जाती है। नंबर थ्री पर जो बिजनेस है वो है जैविक खेती का बिजनेस। आज के समय में आप गांव में रहकर जैविक खेती करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। वर्तमान में सरकार द्वारा जैविक खेती को प्रोत्साहित करने में बहुत ज्यादा महत्व दे रही है। रासायनिक खाद के निरंतर प्रयोग से भूमि को नुकसान पहुंचता है और स्वास्थ्य पर भी इसका असर देखने को मिल जाता है। इसलिए सरकार की यह इच्छा है कि जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि सभी व्यक्तियों के स्वास्थ्य में गुणवत्ता पूर्वक यानी कि अच्छा स्वास्थ्य किया जा सके, क्योंकि सरकार का जो मिशन है अच्छी स्वास्थ्य, अच्छा भोजन प्रोवाइड करना। तो दोस्तों, इसी के तहत अगर आप अपने गांव में आपके पास कुछ खेती है तो वहां पर जैविक खेती कर सकते हैं, क्योंकि आज के समय में जैविक खेती के जैविक फसलों का उत्पादन जितना हो रहा है उसी तरह से उसकी मांग भी काफ़ी तेजी से बढ़ रही है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज के समय में जैविक प्रोडक्ट या जैविक फूड्स को ज़्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, आज के समय में आप देखेंगे कि जैविक खेती का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। सरकार भी इसका सपोर्ट कर रही है, क्योंकि सरकार भी
लोगों को अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा भोजन प्रोवाइड करने का निश्चय कर लिया है। तो दोस्तों, गांव में अगर आपके पास कुछ थोड़ी बहुत खेती है तो वहां पर आप जैविक खेती करिए। जैविक खेती में जैविक फसल का उत्पादन करना होता है, हर एक फसल का आपको जैविक तरीके से आपको उत्पादन करना होता है, जिसका आपको उचित रेट मिलता है अन्य फसलों की, नॉर्मल फसलों के मुकाबले इस फसलों की जो पैदावार है काफी अच्छी होती है, इसके साथ में इसका रेट भी काफी अच्छा मिलता है। अगर आप गांव में रहना चाहते हैं और खेती से कुछ नया बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको जैविक खेती का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। दोस्तों, सरकार द्वारा जैविक खेती के लिए बड़े स्तर पर सहायता प्रदान की जा रही है। 75% से लेकर 90% तक आपको सब्सिडी भी प्रोवाइड की जाती है। राज्य सरकार द्वारा प्रति हेक्टेयर किसानों को 9,000 रुपये की मदद दी जाती है। इस राशि में 1,500 रुपये जैविक बीज, 1,000 रुपये की जैविक खाद और 1,000 रुपये की हरी खाद के लिए मिलते हैं। तो इस तरह से ये कुछ 3 ऐसे बिजनेस आइडिया है जिसे गांव में शुरू करके अच्छी खासी कमाई किया जा सकता है। साथ में इस तरह के बिजनेस में कंपटीशन बहुत कम है। अगर आप किसी नए बिजनेस की तलाश कर रहे हैं जिसे गांव में शुरू किया जा सके और अच्छी खासी कमाई किया जा सके, तो आपको इस तरह के 3 बिजनेसों को स्टार्ट करना चाहिए। इन बिजनेसों से आप अच्छी खासी यानी महीने के 30 से 50 हज़ार रुपये आसानी से कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको 3 ऐसे बिजनेस आइडिया बताया जो आशा करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे और ये बिजनेस आइडिया आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। अगर ये बिजनेस आइडिया आपको हेल्पफुल लगते हैं, पसंद आते हैं, तो वीडियो को लाइक करें। अगर किसी भी बिजनेस आइडिया पर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें।